अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पर मैं जा रही थी दादू, जो कि मैं पहले शॉर्ट्स में रख चुकी थी, आप लोगों को पता होगा मैं वहाँ के समोसे वगैरह रख रही थी। तो रात के टाइम में हमारा अचानक से मूड बना कि हम लोग दादू का चक्कर लगा कर आएँ, तो हम लोग यहाँ पर निकल गए थे दादू के लिए। रात के टाइम में हमें निकलते निकलते 10 साढ़े 10 हो गए थे, तो मौसम भी ठंडा था इस टाइम, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बार रात के टाइम हम लोग ट्रैवल कर लें। अक्सर तो सुबह के टाइम में होती है या दिन के टाइम में, लेकिन सुबह और दिन वाला जो टाइम था बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग रात में करें इस बार ट्रैवल। और यहाँ पर मैं डॉम में जा रही थी, इस बार जो है हमने कहा ये भी लाइफ के एक्सपीरियंस है, करने चाहिए। यहाँ देखें सुबह के टाइम जब मैं रात को पहुँच चुकी थी, उसके बाद सुबह को मैं जब सोकर उठी तो मैं यहाँ बाहर आपको व्यू दिखा रही हूँ। और ये है हमारी दादू की फेमस बेकरी, उसके केकर्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं इनके। और यहाँ पर ये यह हमारा लंच टाइम हुआ था, जो कि हमने बाहर से मंगवाया था। और जो है दादू के शहर में भी बहुत ज़्यादा आजकल अच्छे जो है खाने वगैरह मिलते हैं। या ये है हमारा दादू, बहुत ज़्यादा गर्मी थी दादू में, जैसे हैदराबाद का मौसम है वैसे ही सेम मौसम है, वहाँ पर भी कोई भी फ़र्क नहीं है। ये हमारे दादू के चटपटे से समोसे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी होते हैं। ये आप लोग खाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने के समोसे खाना आप लोग भूल ही जाएंगे। यहाँ पर मैं रात के टाइम जिम करने गई थी, हमने हैदराबाद का जिम खाना तो देखा है, मैंने कहा क्यों ना हम लोग दादू का जिम खाना भी विजिट कर लें। इसका बाहर वाला जो गेट था, इन लोगों ने बहुत आउट क्लास बनाया हुआ है, और जो है इन्वायरमेंट दादू के हिसाब से ठीक है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब है, नॉर्मल सा है, बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये सारा बाहर का लुक दिया हुआ है इनका, ये इनका प्ले एरिया है। हम लोगों ने कहा आए तो क्यों ना हम लोग ये इनका सारा ही विज़िट कर लें। ये इनका प्ले एरिया है, जेंट साइड जो है, और उस तरफ जो है इनका लेडीज साइड है। और यहाँ पर ये बच्चे जो है प्ले कर रहे हैं, और जो है छोटे छोटे से बच्चे ऐसे छोटे छोटे शहरों में, क्या दादू तो बहुत बड़ा ही सिटी है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में ऐसी ऐसी चीज़ें जो है होनी चाहिए। सिर्फ हैदराबाद कराची वगैरह को प्रमोट ना करें, दूसरे सिटीज़ को भी प्रमोट करें। ये है हमारा छोटा सा बुरान, जो कि इंजॉय कर रहा था बहुत, और कह रहा था कि उस तरफ जाना है उस तरफ जाना है। और यहाँ पर दूसरे भी बच्चे आए हुए थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और ये हमारा बच्चा हमें हाई करने के लिए यहाँ पर इंजॉय कर रहा है साथ साथ, और हमें भी इंजॉय करवा रहा है, क्योंकि प्ले एरिया में हमारा तो कोई भी काम नहीं होता, और इसको इस पर नहीं बैठना था, हमने ज़बरदस्ती इस पर इसको बिठाया, जो कि वो उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके रोने से ही सबको पता चल रहा है। ये बाहर इनका मार्ट है, सफाई बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ठीक है, ये इनका फैमिली हॉल है। फैमिली हॉल का गेट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये है जनाब इनका मेन्यू, हमें खाना था फास्ट फूड, जो कि यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ डिनर था। खाना वगैरह आप लोग ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन हमें खाना था फास्ट फूड। हमारा मूड था कि हम बर्गर रोल वगैरह कुछ खाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर से देख लेते हैं। ये जो है फैमिली हॉल का सारा लुक है, बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पर अब हम लोग गलियों में फिर रहे हैं कि हमें कहीं से कुछ भी मिल जाए, लेकिन हमें फ़ास्ट फूड खाना है। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अब हम क्या करें, तो हमें आइसक्रीम वाला मिल गया, जो कि इसकी आइसक्रीम दादू की फेमस आइसक्रीम है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर ये मेरा कज़न जा रहा है हमारे लिए ब्रोस्ट रोल ऑर्डर करने, ये है मेरा और ये है ब्रांड का, बाकी सब अपना ले चुके थे। ये हमारे दादू के चटनी वाले भी मिलते हैं, सिंधी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप लोग खाते हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कौन से गांव से हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ से हम दादू के लिए, दादू से वापसी निकल चुके थे हैदराबाद के लिए, तो हमने कहा क्यों ना हम लोग 7 की ज़्यारत करते हुए जाएं। यहाँ पर हम लोग 7 पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा रश था, खैर इतना ज़्यादा नहीं जितना अक्सर जुमेरात वगैरह पर होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा था। आई थिंक संडे का दिन था, ये अंदर से सारा रोज़ा बहुत ही प्यारा है बना हुआ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि हम लोग कभी भी नहीं गए, तो यहाँ पर ज़्यारत करने जाएं, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही सुकून वाली प्लेस है। यहाँ पर लोग अपनी जो है मन्नतें लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होता है यहाँ पर ज़्यारत के लिए आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर ये लोग
कुछ जिनकी मुराद पूरी हो गई थी शायद, और वो अपनी मुराद पूरी करने के लिए, वो पूरी करने के लिए अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आए थे। और यहाँ पर भी ज़्यादा रश था लेकिन इतना नहीं था, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी 7 में भी पूरे। अभी तो पूरे जो है सिंध में गर्मी हो रही है, सितंबर के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सबको पता है। और ये जो है बाहर से हमारे रोज़े का पूरा लुक बहुत खूबसूरत, और जो है पंजाब से लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, पंजाब साइड आप लोग जाएँ और कहें कि हम 7 की नगरी से आएँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और ये यहाँ का जो है खाने पीने की चीज़ें जो अक्सर हम लोग लेते हैं अपने जब भी ज़्यारत वगैरह के लिए जाएँ, ये बहुत ही इनकी चीज़ें टेस्टी होती हैं। सब गए होंगे, सब खाते पीते होंगे, जाहिर सी बात है सिर्फ मैं नहीं गई, लेकिन मैंने छोटा सा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है। और भी ऐसे ऐसे व्लॉग्स अपने आप लोग के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और यहाँ हम लोग जो है वापस निकल चुके थे और अपने हैदराबाद के करीब थे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह।